दोस्तों नमस्कार। आज फिर डिस्कस करते हैं फिशर के बारे में। फिशर के ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, मेडिसिन, फिशर क्या होता है, कैसे होता है, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ कि फिशर कैसे होता है, इसके क्या कारण है। जब मैं इसके कारण ढूंढने की कोशिश किया तो काफ़ी सारे मुझे कारण मिले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब ये कारण देखकर दंग हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इतने सारे कारण की वजह से फिशर होता है, ये तो आपको भी पता नहीं था और काफ़ी डॉक्टर्स जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनको भी पता नहीं रहेगा। चलो डिस्कस करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, आप बोर हो जाओगे, इसलिए मैं फटाफट शुरू करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि फिशर यानी क्या होता है, ये मैं आपको कुछ एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा, इसमें आपका ज़्यादा समय, क्योंकि काफ़ी नए लोग भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको पता चलना चाहिए कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ, यानी एग्जैक्टली फिशर क्या है, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग टर्म है। काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है कि पाइल्स और फिशर एक ही है। तो आज हम बात कर रहे हैं एनल फिशर की, जो कि एक एनल कैनल में एक छाला बोलो, अल्सर बोलो, या एक दरार जो होती है, जो मेजर एक 6 एंड 12 o'clock पोजीशन पे होती है, उस वजह से जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके बारे में, उसी को हम एनल फिशर कहते हैं। उसमें कभी कभी ब्लड आता है, हमेशा उसमें ब्लड जाने की समस्या है नहीं रहती, लेकिन ये बहुत ही कॉमन समस्या है और इनके कारणों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि एज रिलेटेड जो कारण रहते हैं, जैसे एज जैसे जैसे कम ज़्यादा होती है वैसे भी कारण बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों में क्या होता है। बच्चों में आमतौर पर फिशर कब्ज़ के कारण होता है। बच्चे खाना बराबर खाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा वो सिलेक्टेड रहते हैं कि मैं यही खाऊंगा, वही खाऊंगा या फिर दूध पीऊँगा, ऐसी वजह से भी उनको आमतौर पर कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन होते रहता है, और बच्चे का कॉन्स्टिपेशन होने से उसको फिशर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये फिशर बिल्कुल अडल्ट से अलग रहता है। फिशर बच्चों को हो गया तो उसके लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, सिर्फ 1% में पड़ती है, ऐसा आप समझ लीजिए, यानी 99% बच्चों के फिशर ठीक हो जाते हैं दवाइयों से। वो दूसरा टॉपिक है, मैं कभी आगे बात करूँगा। ये क्यों होता है बच्चों में थोड़ा सा भी कॉन्स्टिपेशन हुआ तो? क्योंकि छोटे बच्चों के गुदा का मार्ग विकास अधूरा होता है, यानी उनकी जो लैट्रिन की जगह है वो डेवलप नहीं रहती है, उतना स्ट्रेस वो सहन नहीं कर पाएंगी, यानी थोड़ी सी भी लैट्रिन हार्ड हो गई तो वो इरोजन हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, उस वजह से वहाँ पे फिशर बनने के चांसेस रहते हैं, लेकिन वो ठीक भी हो जाते हैं। अब आइए दूसरा कारण देखते हैं। अडल्ट में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, गुदा के आसपास की त्वचा पतली और लचीली हो जाती है, ये भी एक कारण है। एक मिडल एज जो है, ये यंग जो है, उनमें कारण कम रहेंगे, लेकिन 40-50 के बाद वहाँ की चमड़ी और पतली होते जाती है और उससे भी फिशर बनने के चांसेस होते हैं। ये क्यों होती है पतली? कोई कोई बीमारियाँ या एज रिलेटेड फैक्टर या इलास्टिसिटी का लॉस होना। जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, अपनी चमड़ी की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसका मतलब वो अधिक प्रेशर झेलने के लायक नहीं रहती। जैसे रिंकल्स आते हैं बॉडी पे, उसी को हम बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ख़त्म होना। तो वहाँ की भी जो चमड़ी रहती है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, उस वजह से थोड़ी सी भी लैटरिन अगर हार्ड हो गई तो उसमें छाला बन सकता है। बड़े उम्र में पानी की कमी, पाचन समस्या, ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये सब कारण फिशर बनने के लिए काफ़ी है। उम्र बढ़ने के साथ गुदा मार्ग में दबाव बढ़ सकता है और मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती है। मांसपेशियां कमज़ोर होना भी एक कारण है, क्योंकि जनरली अपनी जो मसल्स है उसमें पावर रहता है, वो उसको एकदम स्ट्रेस झेलने लायक रहते हैं। मतलब एनल कैनल के जो मसल है वो अगर अच्छे स्ट्रांग है तो आपको फिशर होने के चांसेस कम है, क्योंकि मसल स्ट्रांग है, मसल में पावर है, मसल में ब्लड सप्लाई बहुत है, तो उसके आजू बाजू को म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन को अच्छा ब्लड सप्लाई मिलते रहता है और वो उसको फटने नहीं देता। लेकिन अगर आपके मसल वीक है, उसमें ब्लड सप्लाई की कमी है, तो जल्दी से वहाँ पे फिशर बनने के चांसेस हो सकते हैं। बहुत सारे बीमारियाँ भी रहते हैं, जैसे क्रोन डिसीज और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ये कुछ बीमारियाँ, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ये बिल्कुल अलग चीज़ है। जो एक्यूट कॉन्स्टिपेशन है, यानी अपने को 5-6 दिन में खाने पीने में कुछ बदलाव होने से जो कब्ज बनता है उसको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन होता है, वो हर किसी को होता है। लेकिन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी साल 2 साल
6 महीने से लैट्रिन हार्ड हो ही रही है, तो उसमें कुछ अलग टाइप की बीमारियां काम करती है, अतड़ियों की पोजीशन काम करती है, जिस वजह से ऐसे मरीज को हमेशा के लिए कॉन्स्टिपेशन होते रहता है, और इस वजह से भी आपको फिशर के चांसेस बनते हैं। क्रोन डिसीज़ तो एक जानी मानी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा छाले बनाती है बड़े अतड़ियों में, और उस छाले की वजह से आपका एनल कैनल में भी छाले होने का और फिशर होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो ये भी एक कारण इसमें होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी एक बहुत कॉमन काज है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो बहुत सारे अल्सर बन जाते हैं पूरे इंटेस्टाइन में, तो उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेकिन और एक इसमें कारण है, एक सिंगल अल्सर भी बनता है। बहुत लोगों को आदत रहती है कि लैट्रिन अगर हार्ड हो गई तो उसको उंगली से निकालने की कोशिश करना। अगर आप उंगली से निकालने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में वहाँ पे छाले आने के चांसेस होते हैं, और वो छाला जो रहता है अल्सर, छाले को ही हम अल्सर कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो अल्सर जो रहता है ऊपर बनता है, यानी कोलोन में बनता है, मतलब वो एनल कैनल में नहीं बनता है, कोलोन में बनता है। और वो अल्सर अगर होता है तो उस वजह से भी वहाँ पे सूजन आती है, और वो सूजन से एनल कैनल में भी सूजन आती है, और वहाँ पे छाले बनने के चांसेस है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस अलग चीज़ है, सिंगल अल्सर अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मरीज ये कन्फ्यूजन हो सकते हैं। यौन संक्रमण, जैसे ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ बोलते हैं हम, जैसे STI यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसमें हर्पीज रहता है और बाकी भी इन्फेक्शन रहता है। ऐसा भी अगर इन्फेक्शन आपको होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़, तो आपको होने का चांसेस बढ़ जाता है, यानी फिशर बनने के चांसेस बनते हैं। बाकी बीमारियां जैसे HIV, डायबिटीज़, इसमें भी आपका ब्लड सप्लाई प्रभावित होता है, एनल कैनल का ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड होता है यानी कम होता है, उस वजह से भी फिशर बनने के चांसेस बनते हैं अडल्ट्स में। और बाकी आपकी लैट्रिन की आदतों के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड रहता है। आप लैट्रिन के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हो, प्रेशर देके लैट्रिन करते हो, जैसे आपको ऑफिस जाना है, आपको ऐसा लगता है कि सुबह मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे ऑफिस जाने के पहले लैट्रिन होना ही चाहिए, आप लैट्रिन को जाके बैठ जाते हो, लैट्रिन के जगह जोर लगाते हो, लैट्रिन होती नहीं होती वो आपको ही मालूम, लेकिन ऐसा करने से आपको फिशर बनने के चांसेस बिल्कुल बढ़ते हैं, और ये बिल्कुल आदत गलत आदत है, ये आप छोड़ दीजिए। आपको अगर लैट्रिन आती है ऑफिस में तो ऑफिस में करिए। इरेगुलर डिफिकेशन यानी कभी भी जाना, अभी लगी तो अभी नहीं जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा, ऑफिस में लगी तो मैं घर जाके करूंगा, घर किसी के घर आप गए हो विजिट करने, घर में बैठे हो किसी के, नहीं यार मैं अपने घर में जाके करूंगा, ऐसा सोचना, उस वजह से भी आपकी लैट्रिन हार्ड होती है, आपकी लैट्रिन की जगह में प्रेशर बढ़ता है, और आपको फिशर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लंबे तक समय तक शौचालय पर बैठना, ये तो आदत बहुत ही बुरी है। अगर आपको लैट्रिन नहीं आए तो भी आप लैट्रिन को जाके बैठ जाते हो और इंतज़ार करते हो कि लैट्रिन आएंगी, लैट्रिन आएंगी, लैट्रिन आएंगी, जोर लगाते रहो, जोर लगाते रहो, या सोचते बैठो, या जो भी है कंटिन्यूस लैट्रिन के लिए बैठोगे तो आपकी जो लैट्रिन की जगह है वो कंटिन्यूस प्रेशर में रहेंगी, प्रेशर में रहेंगी तो वैसे भी आपके चांसेस तो बढ़ना ही है। बच्चों में फिशर का कारण तो कब्ज है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, गलत शौच प्रशिक्षण, बच्चों को ज़बरदस्ती शौचालय पर बैठाना, जैसे आप जाके बैठते हो ऑफिस में वैसे आप बच्चों को भी बोलते हो जाओ बैठो लैट्रिन हो जाएंगी, ये तो बिल्कुल गलत आदत है। आपको ऐसा लगता है कि बच्चा लैट्रिन करना ही चाहिए, इधर उधर लैट्रिन, या कभी भी कहीं भी गए तो बोलता है कि लैट्रिन करो, कहीं घूमने गए तो पापा लैट्रिन जाना है, किसी के घर में गए तो मम्मी लैट्रिन लगी है, आप ये बंद करने के लिए बच्चों का लैट्रिन ज़बरदस्ती भेजते हो, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से उसको भी फिशर बनने के चांसेस होते हैं। अगर लैट्रिन पतली होती है यानी दस्त बनते हैं तो ये तो एक जाना माना कारण है। किसी को भी, बच्चों को भी लैट्रिन अगर बहुत पतली हो रही है तो बार बार लैट्रिन जाने से भी वहाँ का म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन जो है थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड होता है, डैमेज होता है, प्रेशर के वजह से बोलो या बार बार जाने से बोलो, उसको चांसेस रहते हैं। अडल्ट के केस में भी सिमिलर केस है, बिल्कुल आपको चांसेस रह सकते हैं। शौचालय में उच्च दबाव के नल का प्रयोग, एक अभी तो काफ़ी घरों में शायद ये लगना बंद हो गया, लेकिन 4-5 साल पहले यह ऐसा था कि जो कमोड की सीट है उसको एक नोज़ल लगता था पीछे में, वो नोज़ल इतने हाई प्रेशर से पानी देता था वॉश करने के लिए
कि वो लैट्रिन की जगह पर वो जो प्रेशर आके टकरा था तो एक जगह पे इतना हाई प्रेशर बनने की वजह से वहाँ पे फिशर बनने के चांसेस बढ़ जाते थे। और ऐसा एक स्टडी भी हो चुका है कि ये नल के इस्तेमाल से फिशर बनता है। तो जिनके भी घरों में आज भी ऐसा कुछ नोज़ल लगा है वो उसको इस्तेमाल करना बंद करें, एक हैंड शावर लगाए। हैंड शावर आपको बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। तो ये जो भी है, या फिर आपके हैंड शावर में भी बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर है, या फिर हैंड शावर के जो नोज़ल से बारीक बारीक वो अगर बंद हो गए, जैसे 20-25 नोज़ल में से एक दो नोज़ल काम कर रहे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आप धो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके लैट्रिन की जगह पे लग रहा है पानी का, तो उसमें भी चांसेस है आपकी लैट्रिन मतलब आपकी लैट्रिन की जगह डैमेज होने की, छाले बनने की और फिशर बनने की। बस इतना याद रखिए, खान पान और फिशर बिल्कुल आपकी आदतें हैं, बहुत ज़्यादा मसाला खाना, बहुत ज़्यादा तीखा खाना, क्योंकि अपने इंडिया में यही तो चलता है। जैसे आप किसी कोई चिकन मटन खाने को गए, किसी होटल में गए, तो आप देखेंगे कि 4-5 पीस है और उसमें ढेर सारा तेल डला हुआ है और बहुत सारा मसाला डला हुआ है। तो हम एक्चुअली क्या खाते, तो मसाला ही खाते हैं, तेल खाते हैं, सब्जी तो बहुत कम खाते हैं। तो ये आदत ख़राब है, ये बहुत ही ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी चाहिए, बहुत ही मसालेदार चाहिए, बहुत ही तीखापन चाहिए, बहुत तेल चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए हानिकारक है। आप इस वजह से आपके जो नाजुक त्वचा है लैट्रिन की वो सूज जाती है, सूजन आती है, मसाले उसको इरिटेशन देते हैं, तीखापन उसको इरिटेशन देता है, इरिटेशन की वजह से वहाँ पे जलन होती है, जलन की वजह से हल्के से छाले यानी माइक्रो जो दिखते हैं ऐसे छाले बनते हैं, और वही छाले फिर धीरे धीरे बढ़ के फिशर बन जाते हैं। तो ऐसा होता है, आप बिल्कुल इसको नज़रअंदाज मत कीजिए, ऐसा खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। फाइबर की कमी बिल्कुल ये भी एक कारण है। हम ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाना ही नहीं चाहते। ग्रीन वेजिटेबल यानी पत्ता गोभी, फूल गोभी, या फिर पालक, मेथी, ये जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, ये हम खाना ही नहीं चाहते। हम थोड़ा सा नॉनवेज की तरफ ही ज़्यादा झुकाव रखते हैं, या घर में भी कुछ खाना वाना बनाते हैं तो यही चीज़ें नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि ककड़ी खाना, गाजर खाना, मूली खाना, ये भी यानी सलाद का इस्तेमाल हम खाने के साथ करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें कम होने की वजह से भी आपको लैट्रिन बराबर होती नहीं है, आपको फिशर बनने के चांसेस बने रहते हैं। पानी की कमी, ये तो वेल नोन रीज़न है, आप बिल्कुल पानी ही नहीं पीना चाहते, बॉटल लेके नहीं जाना चाहते, ऑफिस में बॉटल लेके जाने को शर्माते हो, या कहीं पे भी काम पे जाते हो तो बॉटल लेके जाने को शर्माते हो, आपको लगता है कि वहाँ पे अगर प्यास लगी तो मैं पी लूँगा पानी 20 रुपये का, लेकिन वक्त पे आपको पानी मिलता नहीं है, आपकी लैट्रिन का हार्ड होती जाती है, आपको डिहाइड्रेशन होते रहता है, और वैसे भी आप बाहर का पानी भी नहीं पीना चाहते, आपको डर लगता है कि कोई इन्फेक्शन तो ना हो। ये सभी चीज़ें बड़ी दिक्कत वाली है, इसकी वजह से फिशर बनने के चांसेस 100% है। व्यायाम तो बिल्कुल इंडियन समाज में तो 100 में से 10 लोग ही व्यायाम करते हैं, और 10 लोग जिम जाते हैं, यानी समझो 20, 10 लोग घर में करते हैं, 10 लोग जिम को जाते हैं, 80% लोग तो कुछ करते ही नहीं हैं, और व्यायाम करने के नाम पे थोड़ा सा बगीचे में घूम के आते हैं। ये बिल्कुल काम का नहीं है, बगीचे में सिर्फ पैदल घूमना थोड़ा सा कोई काम का नहीं है, और घर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हाथ हिलाना कोई काम, आपके मस्कुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, आपका रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, आप महीना भर एक्सरसाइज करना चाहिए। साइंस कहता है कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो आप एक्सरसाइज करो, बिल्कुल 5 दिन तो आपने एक्सरसाइज करना ही चाहिए। आपकी एक्सरसाइज ही आपको मसल का टोन बढ़ाती है, लैट्रिन की जगह की मसल का भी टोन बढ़ाती है, आपके एक्सरसाइज से ही आपके इंटेस्टाइन में पानी जमा होता है, और अच्छे पानी की वजह से आपकी लैट्रिन नरम होती है, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, सब चीज़ें इम्प्रूव होते ही आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और एक्सरसाइज की कमी की वजह से ही फिशर बनने के चांसेस बिल्कुल हैं, क्यों नहीं। अन्य योगदान करने वाले कारण में क्या है, गुदा मैथुन, एनल सेक्स भी एक कारण है। अपने इंडिया में भले ही ये कारण कम हो, 1-2% में ही हो, लेकिन फॉरेन में एनल सेक्स की वजह से फिशर होने के चांसेस काफ़ी हैं। शरीर में पानी की कमी से मल का सूख जाना और कठोर हो जाना, ये तो बिल्कुल है, आपको बताया। खान पान की आदतें भी आपको बता चुका हूँ, और निष्क्रिय जीवन शैली यानी कुछ भी नहीं करना, घर बैठे रहना, अगर आपको काम नहीं तो आप उसी घर में बैठे रहोगे, टीवी देखते रहोगे,
समझो घर में नौकर चाकर है, आपको कुछ नहीं है, खाना है सोना है और बैठे, तो आपको बिल्कुल फिशर तो होना ही है। ऐसा करके आप क्या मिलता है आपको पता नहीं, कुछ तो आपको एक्टिविटी करना ही पड़ेगा। कुछ भी काम नहीं है करने को तो एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी काम करने को नहीं है तो आप बाहर घूम सकते हो, कुछ भी काम करने को नहीं तो घर की साफ सफाई कर सकते हो, कुछ भी करने को नहीं है तो गाड़ी से कहीं ना कहीं घूम के आ सकते हो। कुछ तो एक्टिविटी डेली आपको करना ही पड़ेगा, बैठे बैठे आपको फिशर होने के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसका निष्कर्ष देखिए कि फिशर के कारण विभिन्न रोग हो सकती है, उचित समय पर इसका पहचान और इलाज कीजिए और कब से बचे, यही आज का निष्कर्ष है। डिहाइड्रेशन से बचे, कब से बचे, और अपने मल त्याग यानी डिफिकेशन यानी लैट्रिन करने की आदत में सुधार लाइए। ये सब करने से आपको फिशर होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो जो मैंने कहा वो अगर आप आपके अपने दिमाग में डाल देंगे, आज से इस्तेमाल करोगे तो आपको फिशर नहीं होगा। फिशर इतनी कॉमन बीमारी नहीं कि सबको हो जाए, ये कोई जीनेटिक्स बीमारी नहीं है या कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ये आदतों की वजह से आपको हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने अच्छे से फॉलो किया तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है, आपको लगता है कि मैंने कुछ खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है, तो आप बिल्कुल मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिशर के संबंधित, पाइल्स के संबंधित, फिस्टुला के संबंधित और अन्य रोगों के संबंधित मैं वीडियो बनाते ही रहता हूँ। आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको लगता होगा कि मैं तो आंसर देता नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन बहुत कोशिश करता हूँ मैं। आज संडे है, संडे के दिन इसलिए बैठा हूँ कि कुछ ना कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँ, आपके कमेंट्स पढ़ूँ और आपको कुछ नॉलेज दूँ। आपकी लाइफ अच्छे बनाने के लिए ही मैं प्रयत्नरत हूँ। कृपया आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे, देर से ही सही लेकिन मैं आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।